नमस्कार, को फिर स्वागत है आपको टुडेज़ के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ। इस बार जो खबर हम लेकर के आ रहे हैं वो सीधा सीधा जम्मू कश्मीर से आ रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में भाजपा अपने बलबूते पर सरकार बनाने की रणनीति में जुट गई है। जी हाँ, लोकसभा चुनावों के साथ साथ कई राज्यों में भी चुनावी आहट सुनाई दे रही है। इसमें जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर है। राज्य में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है और चुनाव आयोग कभी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कर सकता है। वैसे सबसे ज़्यादा संभावना है कि राज्य में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होंगे। वैसे भाजपा राज्य में हर स्थिति के लिए तैयार दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में अपने बलबूते सरकार बनाने के जो कयास है, अमित शाह के दावे को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा रणनीति तैयार करने में जुट गई है। राज्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 44 सीटों की जरूरत होती है। राज्य की 87 विधानसभा सीटों में जम्मू क्षेत्र में कुल 37 सीटें हैं। भाजपा को 2014 विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में कुल 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। करीब 5 सीटों पर भाजपा नजदीकी मुकाबला हारी थी। भाजपा चाहती है कि विधानसभा चुनाव 2019 में पार्टी जम्मू क्षेत्र में 30 से भी ज़्यादा सीटें जीते। वहीं कश्मीर क्षेत्र में 46 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए भाजपा को कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। भाजपा इसके लिए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन को कश्मीर में चेहरा बनाने की तैयारी में लगी हुई है। बता दें कि 2014 के चुनाव में सज्जाद लोन की पार्टी को कश्मीर में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। इस बार कश्मीर क्षेत्र में भाजपा 10 से 12 सीटें हासिल करने के लिए सज्जाद लोन पर दाव लगाना चाहती है। सज्जाद लोन भाजपा के तुरुप का एक पत्ता साबित हो सकते हैं और इनको पीडीपी के कई पूर्व विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों का समर्थन भी मिल सकता है। वहीं लद्दाख में भी विधानसभा की 4 सीटें हैं और लिहाजा भाजपा चाह रही है कि वहां भी 2 से 3 सीटों पर उसे जीत हासिल हो जाए। कुल मिलाकर के 44 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए भाजपा इस रणनीति को आगे बढ़ाने का मन बना चुकी है और अपनी पूरी जोरदार कोशिश में लगी हुई है। वैसे भी राज्य में भाजपा अभी भी काफ़ी मजबूत है और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद लोगों का भाजपा के प्रति सकारात्मक रुख देखा जा रहा है। पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के बाद भी जनता भाजपा के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं पीडीपी के कुछ विधायकों का भाजपा के समर्थन में बोलने से पार्टी की राह राज्य में और आसान होती दिख रही है। गठबंधन टूटने के बाद भाजपा चाहती तो जोर तोड़ करके सरकार बना सकती थी, पर भाजपा ने सत्ता गठन के लिए कोई खास जोर नहीं लगाया है। दरअसल मोदी सरकार जनता को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई है कि भाजपा को राज्य की चिंता है, न कि सत्ता की। निगम चुनाव में जनता का भाजपा को समर्थन, राज्य में आतंकियों का सफाया, साथ ही राज्यपाल शासन में भी राज्य पर केंद्र सरकार का ध्यान, यह सब ऐसे मुद्दे हैं जो बता रहे हैं कि आगामी चुनाव में जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बनने के लिए तैयार है या बन सकती है। इसके काफ़ी मायने निकाले जा रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बहरहाल हम फिर हाजिर होंगे एक नए रिपोर्ट के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल। और अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ की राजनीति पर आपकी पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है या सुझाव है, तो हम चाहेंगे आप हमारे साथ जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ से जुड़े हुए बेहद ही अहम खबरों के साथ। थैंक यू।